ये सर स्टार्ट करें क्या अरे ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग तो सरकार माहौल बन रहा नहीं बन रहा जीएसटी का सर अरे यस नो ओके तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चल क्या रहा आखिर सेक्शन नंबर सेवेन सब सेक्शन वन ए क्या बोलता सर वो सारे ट्रांजेक्शन क्या बोला मालिक जो कहां कवर है जो कहां कवर है शेड्यूल नंबर टू में यस सर यस सर यस सर एक बार सब लोग भारत माता की yeah. अब ध्यान इधर, सेक्शन नंबर सेवेन सब सेक्शन नंबर वन ए ये कहता है वो सारे ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड इन सेक्शन नंबर विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर टू आर इधर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज

राइट टू यूज दिया राइट इन यूज दिया अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स यसर सप्लाई ऑफ सर कोई गुड्स मैंने इंस्टॉलमेंट बेस पे परचेज किया वेयर दिप शेल ट्रांसफर ऑन फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट ये सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस पक्का गुड सर लैंड या बिल्डिंग मैंने लीज पे लिया रेंट पे लिया इजमेंट राइट लिया टेनेंसी प्रीमियम पे किया सर वहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं बताओ क्या है पक्का सर किसी और की गुड्स पे मैंने कोई ट्रीटमेंट किया प्रोसेस किया बताओ क्या है सप्लाई ऑफ सबकी आवाज नहीं रही सप्लाई ऑफ पहला नंबर फोर इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स परमानेंट ट्रांसफर के बिजनेस असेट बताओ क्या है आवाज आ रही है सप्लाई ऑफ गुड्स टेंपरेरी ट्रांसफर किया आवाज नहीं आ रही है दादा विजय भैया क्लियर शादी से पहले कैमरा लेके गए थे बेटा दैट टेंपरेरी बेटा क्लियर शादी की बात वाला नहीं क्लियर तो ऐसे किस में क्या बताओ मुझे सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन सर सारे एसेट्स क्या मान लेंगे उसने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिए क्या है बताओ मुझे सप्लाई ऑफ गुड्स पर अगर उसने सर उसका बिजनेस कंटिन्यू रहा है गोइंग कंसर्न बाय हिज लीगल हायर्स या फिर सर किसी और पर्सन को उसने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है गोइंग कंसर्न बताओ क्या है सर सर वो सप्लाई नहीं है क्लियर डन पक्का मालिक सर फिर ये क्या पेरा नंबर फाइव रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी याद टावर बेटा आवाज नहीं आ रही हो कौन सा एयरटेल वाला बेटा अरे हा भाई क्लियर तो सर वो क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस पक्का सर एक शानदार वाला पॉइंट पढ़ लगा सर आवाज नहीं रही सर पक्का चलिए सर पूरा ध्यान इधर होना चाहिए दिस में बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ द डे ओके कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ कोमा इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर पार्टली एक्सेप्ट वेर एक्सेप्टेर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ कॉम्पिटेशन सर्टिफिकेट बाय दिन अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ इंकर

इसी स्पीड से आप सब बेटा मैं क्लियर और याद नहीं करूंगा याद भगवान <coughs> <coughs> करे आपका गला भी सर अच्छा रहे हमेशा बेटा मान लो सर एक और मस्त पॉइंट क्यों से पहले यार चलिए बुक में देखिए मैं जो मार्किंग करता हूं मार्किंग कर देना फिर बंद कर देना बुक को हाँ मालिक ओ भाई ओ भाई सर मिला बेटा क्लोज में भी आपको ये मिला क्या मालिक ओ सर यहां पर फाइव क्लोज नंबर बी बच्चो बी वेरी केयरफुल अच्छा एक बार पहले मुझे बोलने दो फिर मार्किंग करना बेटा ठीक है एक मिनट ये कोमा दिख रहा है क्या बेटा कौमा? कौन सा देर ऑफ के बाद इंक्लूडिंग से पहले दिख रहा है बेटा आपको अभी इस तरह से आप मार्किंग करना बेटा कि जहां से शुरू हो रहा है और जहां एक कोमा है मतलब आप बॉक्स बनाओ तो ऐसा नहीं कोमा छुप जाए बेटा उसमें क्लियर कोमा दिखना चाहिए बेटा ओके okay? इसको लिखो पार्ट वन और इंक्लूडिंग अर्ले तक लिखिए पार्ट टू एक ही पॉइंट है पर इसे दो टुकड़ों में डिवाइड किया है मैंने <coughs> हो गया लिख दिया पक्का ओके बुक कर दो बंद बेटा फटाफट ओके बच्चों, चलिए मस्त बताऊ आपको मैं अगेन चलिए <coughs> सर बहुत बढ़िया बेटा ये एनर्जी मेंटेन रखना बेटा मजा आ जाएगा सर सर आग लगा देंगे आग।, आग सर मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई कोई कॉम्प्लेक्स बनाया सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ओके अब ध्यान दे बेटा पहले मैं पढ़ा रहा हूं पार्ट वन फिर मैं पढ़ाऊंगा पार्ट टू और फिर मैं बताऊंगी कि मैंने पार्ट वन और पार्ट टू क्यों कराया बेटा ओके okay? द्यान बेटा। ऑपरेशन करेंगे इसका बेटा यार पूरा एकदम चीज फाड़ करते बेटा इसकी प्रोविजन की चलो <coughs> शानदार वाला ऑपरेशन करते बेटा मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको सर ध्यान देना बेटा धन सर क्या नाम हाँ हाँ, हाँ। सुमनोहर सुमनोहर तो सर मान लो सरकार नगर पुणे यहां पर सुमनोहर का एक जमीन है सर एक लैंड है सर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी सर इनके पास में इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया सुना बात को ध्यान से इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला मंगल बिल्डिंग बनानी यहां इनका बना देंगे सर सुनना बात को ध्यान से <coughs> सर दिस में द बेस्ट पॉइंट ऑफ द डे ओके उस लेवल से हम पढ़ेंगे सर सरकार एक एक कोमा जो लिखा ना सर उसका भी इंपोर्टेंस समझा डालूंगा मेरा अगर ध्यान आपका इधर रहा तो बेटा आपकी एनर्जी इधर रही तो मेरी एनर्जी डबल आएगी बेटा आपकी एनर्जी डाउन मेरी डाउन बात खत्म सरकार मान लो सेल्फी लोग सर आपकी एक लैंड है एक प्रॉपर्टी है साहब आपने मुझे बोला कि मंगल बिल्डिंग बना क्लियर जो भी सीमेंट स्टील आयरन जो मटेरियल चाहिएगा, ब्रिक्स वगैरह ईट वगैरह बेटा वो सभी इलाके देगा मंगल तो तो बिल्डिंग बना पैसा बोल मैंने कहा दस करोड़ मैंने कहा करोड़ लगेगा जल्दी से इधर क्लियर तो सर आप मुझे बताओ मैंने क्या काम किया बेटा बिल्डिंग बनाई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या फिर कॉम्प्लेक्स

जल्दी तो नहीं बेटा आपको नहीं। <coughs> मेरे को बिल्कुल भी नहीं है सर मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई सर मंगल टावर्स मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई नाम क्या है मंगल टावर्स <coughs> सर मान लो बिल्डिंग किसने बनाया बेटा पता है उसमें हंड्रेड फ्लैट है बेटा हंड्रेड फ्लैट से सौ फ्लोर की बिल्डिंग है हर फ्लोर पे एक फ्लैट बिल्डिंग का नाम क्या बेटा <coughs> सर अब आप मुझे बताओ सर मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई बेटा नाम क्या बेटा मंगल टावर सो फ्लैट है बेटा उसके अंदर वो सो फ्लैट मैंने किसके लिए बनाए होंगे बेटा भाई कृष्ण भगवान तो बने नहीं बेटा सो फ्लैट का करेंगे क्या बेटा सर <laughs> अपने लिए ही बोत बेटा हा है ना भाई तो सर डेफिनेटली 100 जो बने हैं, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर बेटा, बच्चों बात को एग्जाम्पल मस्त लेके पढ़ेंगे, हंस के पढ़ेंगे सर पर टॉपिक शानदार तरीके से पढ़ेंगे सर टॉपिक से बाहर नहीं जाना अपने को क्लियर बाकी मजे ले लेंगे सर हम जीवन में कोई टेंशन नहीं सर अरे यहां तक बात समझ में आएगी आपको सर सर मंगल टावर बनाया किसने मंगल ने किसके लिए खुद के लिए बेटा समझना दो मिनट दो मिनट बट दैट इज इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर आराम से होलो होले आगे बढ़ेंगे पर सर मस्त होकर बात करनी सर आपको अब सर पॉइंट आप आपने देखा होगा जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है प्लान जब म्युनिसपालिटी से अप्रूव जाता है बच्चों उसके बाद ही मैं बुकिंग लेना चालू कर देता हूँ बेटा फ्लैट की फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही बुक होना चालू हो जाते बच्चे है हाँ ना मान लो सर एक फ्लैट मैंने बुक किया अनन्या पांडे के लिए बेटा एक फ्लैट बुक किया मैंने अनन्या पांडे के लिए एक फ्लैट बुक किया मैंने कियारा रहा अडवाणी के लिए एक फ्लैट मैंने बुक किया श्रद्धा कपूर के लिए एक फ्लैट नंबर चार सौ बीस मैंने बुक किया आलिया बट के लिए सर रणबीर कपूर तो एनिमल हो गया बेटा हम ह्यूमन अभी भी है बेटा सर मान लो आप देख लो एनर्जी बेटा देखो लो हो गया <coughs> तो मैंने कहा है टॉपिक मस्त तो मैं पढ़ा दूंगा बस आप मेरे साथ रहो सर आप सरकार मैंने फ्लैट बुक किया सुनना बच्चों ध्यान से बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा फ्लैट नंबर वन बिल्डिंग फ्लैट नंबर बुक किया जैकलिन के लिए बेटा बिल्डिंग में आते ही मजा आ जाए एकदम सर फ्लैट नंबर 420 बुक किया आ भट्ट के लिए फ्लैट नंबर 840 बुक किया किया था के लिए एंड सर एक फ्लैट बुक किया अनन्या पांडे के लिए एक कटिना कैफ के लिए एक कह रहा एक नोरा फतेह एक लिए हमारा फ्लैट है ना बेटा सर <laughs> देखो सर डिमांड आ रही सर हमारे लिए भी फ्लैट बुक कर दो सर हाँ है ना भाई <clears throat> सुनना है होशरी दो मिनट अब सरकार पॉइंट या आता है कि सर सौ फ्लैट है मंगल टावर्स बिल्डिंग बहुत डिमांड में बचा सर आप मुझे बताओ ये बिल्डर फ्लैट जो बुक करेगा सर कुछ एडवांस दोगे तो फ्लैट बुक करेगा या फोन पे आलिया बोलते क्या मेरे लिए फ्लैट नंबर चार सौ बीस बुक कर देना मैंने कहा यहाँ आ पैसा दे बुक करा नहीं तो निकल अरे हाँ ना भाई <coughs> अरे ऐसे नो तो पॉइंट मेरा आपसे ये है पॉइंट मेरा आपसे ये है सर अरे फोन पे तो हम क्लास की सीट बुक नहीं करते फ्लैट तो दूर की बात है यार हाँ ना मालिक तो सर हम फ्लैट बुक करेंगे जब कोई को या नो? तो सर मान लो जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी बहुत बढ़िया बेटा अच्छा मैंने एग्जाम्पल फ्लैट का लिया बेटा में भी एक कमर्शियल मॉल हो बेटा शॉपिंग मॉल भी हो सकता है बेटा शोरूम भी हो सकता प्रेस्टी है प्रेस्टीज पॉइंट आपने देखा होगा बेटा यहाँ पे इस तरह के सर समझ में ओके क्लियर सर यहाँ पे हंड्रेड फ्लैट क्लियर सर ध्यान देना बेटा अच्छे से मान लो जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी बिल्डिंग अभी तक तो कंप्लीट हुई भी नहीं और उससे पहले ही आउट ऑफ हंड्रेड फ्लैट्स सेवेंटी फ्लैट्स क्या हो गए बेटा अच्छा बिक गए नहीं बुक हो गए बेटा अच्छा बिक गए वर्ड क्यों गलत है बेटा दो मिनट बाद समझाता हूं बेटा ठीक है दो मिनट रुकिए और थर्टी फ्लैट्स जल्दी बोलो हाँ नॉट बुक अरे क्लियर बच्चों क्लियर अच्छा चलिए <coughs> अच्छा जब मैंने सेवेंटी फ्लाइट बुक किए होंगे बेटा पैसा लिया होगा बेटा एडवांस हा है ना क्लियर मान लो सर जो मैंने फ्लैट बुक किए जो मैंने फ्लैट बुक किए हंड्रेड फ्लैट से बेटा जस्ट एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं मान लो हर एक फ्लैट रुपीज वन करोड़ का था बेटा कितना का था बेटा मान लो सर वैसे फ्लोर वाइज लोकेशन वाइज एरिया वाइज है हाँ ना फ्लैट की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा पर हमारे एग्जांपल के लिए वन करोड़ मान लेते हैं हर एक फ्लैट का वैल्यू था बेटा ओके भले कैटरीना ले या आलिया ले अपने लिए बराबर बेटा हाँ है ना क्लियर अब सर सरकार पॉइंट ये सलमान खान को पास बिल्डिंग में दिया बेटा फ्लैट अपने फ्लैट में नहीं सर अपना पता साफ मान लो सेवेंटी फ्लैट इधर 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 सर हर फ्लैट एक करोड़ का बेटा पर जब फ्लैट हम बुक करते हैं तब उनको बोलते हैं आप एक लाख रुपए दीजिए कितना दीजिए बेटा वन लाख रुपए और फ्लैट बुक कराइए बाकी पैसा अभी नहीं चाहिए बहुत पैसा हमारे पास क्लियर जिस दिन हम फ्लैट का पोजीशन देंगे आपको जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी जब हम चाबी आपको देंगे जब रजिस्ट्रेशन होगा उस बिल्डिंग का आपके फ्लैट का रजिस्ट्री होगी बेटा क्लियर जब हम आपको बेचेंगे सर अल्टीमेटली फ्लैट बनने के बाद क्लियर तब पैसा देना बाकी का अभी नहीं चाहिए हाँ है ना भाई क्लियर ध्यान देना बेटा रुपीज वन लेख ईच रिसीव एज कंसिडरेशन बिफोर ऑफ़ बिल्डिंग बेटा अरे हाँ है ना भाई अच्छा बिल्डिंग कंप्लीट होगी उससे पहले बुक हुए बेटा बिल्डिंग कंप्लीट होगी ये पता कैसे पड़ेगा बेटा बेटा क्लियर ओसी हाँ, बिल्कुल बोला सर्टिफिकेट ठीक है मैं बताता हूं आपको बेटा क्या होता है बेटा सर हर लोकल लॉज में पता है बिल्डिंग के लिए हर म्युनिसपालिटी का अलग अलग कानून होता है बेटा क्लियर तो सर यहाँ पे ट अथॉरिटी हर स्टेट वाइज अलग अलग होती है बेटा तो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोरिटी <coughs> अपॉइंट करी हुई है जैसे मुंबई के अंदर है है बीएमसी पुणे में क्या बेटा पीएमसी क्लियर पुणे में क्या है पीएमसी पुणे महानगर पालिका क्लियर हाँ पुणे महानगर पुणे म्युनिसपल कॉरपोरेशन बेटा हाँ ठीक है ठीक है सर ठीक ठीक है यस करेक्ट पुणे म्यिपल कॉरपोरेशन सर उदयपुर में है जैसे यू मुंबई में है बी क्लियर तो हर स्टेट लोज ने क्या किया होता है बेटा अपने अपने एरिया के लिए कोई अथॉरिटी अपॉइंट करी हुई बेटा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिसको कुछ एरिया में कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं

तो सर फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी लो बिल्डिंग को कंप्लीट कर मानेंगे सर जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव जाए फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी तब मानेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है हाँ या ना उससे पहले कितने फ्लैट बुक हो गए बेटा आवाज रही सर एंसर थर्टी so फ्लैट के लिए? नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ Completion certificate by competent authority. हाँ ना यहां तक बात क्या क्लियर तो अब आप मुझे बताओ जब बुक होते हैं, हैं। जब बुक होते है, सर तो फ्लैट में किस लिए बना रहा हूं बेटा सेल करने के लिए बना रहा हूं बेटा जैसे फ्लैट नंबर वन जैकलिन के लिए बुक किया बेटा तो फ्लैट नंबर वन कौन बना रहा है बेटा मंगल किसके लिए के लिए, लिए. है हाँ ना भाई अरे ऐसे नंबर 420 बुक किया आलिया भट्ट के लिए तो फ्लैट नंबर 420 कौन बना रहा है बेटा मंगल किसके लिए आलिया भट्ट के लिए, भट लिए. हा है ना भाई अरे क्लियर पक्का डन ओके तो सर तो फ्लैट नंबर चार सौ बीस कौन बना रहा है बेटा आवाज आ रही सर किसके लिए तो आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस ना भाई आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस टू हुम टू हुम तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं मुझे बताओ आप आवाज आ रही यारी सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं सर यस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस तो आप मुझे बताओ ये थर्टी फ्लेट्स जो बुक नहीं हुए ये कौन बना रहा बेटा आवाज नहीं रही सर किसके लिए तुकुछ तुकुछ। थर्टी फ्लेट्स तुकुछ। 30 तुकुछ। थर्टी फ्लेट्स जो बुक नहीं हुए ये कौन बना रहा बेटा किसके लिए खुद के लिए खुद के लिए ना बेटा भाई बेचने के लिए पर बिक रहे हैं क्या बेटा जब तक नहीं बिके तब तक किसके बेटा

और सर थर्टी फ्लैट्स सर कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ किसी और के लिए तो सर वो खुद खुद के बनाना बेटा दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ़ सर्विस एट ऑल यस नो पक्का हंड्रेड परसेंट बेटा क्लियर दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस तो सर सुनना बच्चों सेवेंटी फ्लेट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाई द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्लियर तो इट इज अट इज अ प्लाई ऑफ सर्विस जल्दी मत करा भैया ना शेड्यूल टू पेरा फाइव क्लोज बी पार्ट टू अभी जल्दी मत करना समझाऊंगा क्या लिखा मैंने एड्रेस में बता दूंगा आपको बाद में बेटा क्लियर ये पार्ट टू लिखा बैठा है ना तो राइटिंग सुबह ना बेटा ओके ओके okay, ठीक सर इधर 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 अभी पूरा नहीं हुआ चाल रहा, चाल रहा, तो है चल रहा है चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है बेटा इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस तो सेवेंटी प्लेट मैंने बुक किया बेटा हाँ ना भाई क्लियर हाँ। तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और जीएसटी लगेगा क्या लगेगा बेटा दिल थाम के सुनना दिल थाम के सुनना खत्म नहीं हुआ पॉइंट जीएसटी एस शेल बी लेविड ऑन रुपीज अरे भाई सेवेंटी फ्लैट हर फ्लैट एक करोड़ का है मैंने एक लाख रुपए लिया उनसे बेटा हाँ है ना भाई सो जी एस लेविड ऑन रुपीज सेवेंटी आवाज ही नहीं रही सर सेवेंटी करोड़ अभी मैंने लिया कितना बेटा पैसा वन लेख सेवेंटी लेख लिया ना यार फिर भी जीएसटी लगेगा कितने पे बेटा सेवेंटी करोड़ पे हाँ मैंने ये नहीं बोला कि जीएसटी आज पे करना है मैंने बोला जीएसटी लगेगा कितने पे क्योंकि मैंने आलिया भट्ट के लिए जो एक लाख रुपए लेके फ्लैट बुक किया वो पूरा फ्लैट बुक किया केवल बालकनी बुक नहीं करी बेटा आलिया भट्ट के लिए पूरा फ्लैट बन रहा है आई एम कंस्ट्रक्टिंग एंटायर फ्लैट फॉर आलिया भट्ट बालकनी क्लियर एक लाख तो एडवांस दिया है केवल क्लियर पर सर्विसेस पूरे एक करोड़ की दूंगा ना मैं उसको बिठा यार क्लियर सो जी एस टी शेल बी लेविड ऑन एंटायर रुपीज वन सी आर एक मिनट विच शैल बी पेबल टू देंट

आप मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए बच्चों आप क्लियर अगर रुपया बच्चा उसके लिए फ्लैट बुक हो गया मतलब क्या हो गया सर मैं फ्लैट उसके लिए बना रहा हूँ बेटा क्लियर और उसके लिए फ्लैट बना रहा हूँ मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस हाँ जिससे पैसा आएगा वैसे तो टैक्स पे करना है पूरे सत्तर करोड़ रुपए बेटा यस सर

यस या नो ओके आइए थर्टी फ्लैट की बात करते सर हम थर्टी फ्लैट जो बुक नहीं हुए नो रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कॉम्पिटेशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लियर कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ पर मान लो फ्लैट अभी नहीं बिके बेटा ये हो जाएगी बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई बेटा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद भी तो फ्लैट बिकते ना यार बनी बनाई बिल्डिंग भी तो फ्लैट बिकते ना यार क्लियर तो सर इफ दीज फ्लैट आर सोल्ड सब्सिक्वेंटली अगर इन फ्लैट को मैंने बाद में बेचा तो किसने बेचा आवाज नहीं आ रही सर मंगल ने बेचा बिल्डिंग बनने की बात बेचा ना बेटा तो क्या बेचा मैंने फ्लैट गुड्स है क्या गुड्स मींस? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा जो हिलती है विच कैन बी मूव्ड। सर ये पिलर है ना बेटा ओ मालिक सर ये थोड़ा सा पिलर शिफ्ट करो ना बेटा सर ये बोल रहा है सर ये पिलर शिफ्ट तो कर दूंगा बिल्डिंग टूट जाएगी बोलना मत मेरे को आप बाहुबली हा है ना भाई एक मिनट मतलब सर अगर किसी चीज को मूव करने पर अगर वो चीज टूट जाए बेटा मतलब मोबाइल नहीं सर ऐसा भी अत्याचार मत करो मेरे पे बेटा घर जाके मैं टॉपिक देखूं कभी सोच लू रिवाइज तो आपकी याद आ जाए बेटा मेरे को सर सरकार सर ये आप सोचिए पिलर, ये बिल्डिंग तो हो सकती है बेटा टूट जाएगी बेटा हाँ ना बच्चा तो दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा है ना बेटा, गुड्स मीन एवरी का definition मैंने पढ़ाया नहीं बेटा क्लियर अब सर मुझे बताओ मैंने अगर फ्लैट बेचा है आपको सर तो क्या मैंने कोई सर्विस बेची आपको क्या मैंने तो इमोबल प्रॉपर्टी सेल किया है हा बिफोर कंप्लीशन बिफोर

अब एक फ्लैट अगर मैंने उनको सेल किया है तो क्या वो फ्लैट जब बना रहा था क्या उसके लिए बना रहा था मैं बाद में बिल्डिंग बनने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद उसने बिल्डिंग का वो फ्लैट खरीदा है क्लियर समझे मेरी बात दैट इज अ सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ इम्यूबी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स जल्दी बोलो रे नोर सप्लाई ऑफ इसलिए इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और निधर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस हम देख लेंगे शेड्यूल थ्री फाइव बेटा शेड्यूल थ्री पढ़ेंगे बाद में बेटा हम

क्लियर अगर आपकी जो का फ्लैट था वो पहले ही बुक हो गया तो गए पर जीएसटी और जीएसटी नहीं लगेगा पे बेटा। हाँ ना बेटा? और हाँ देखना अंडर कंस्ट्रक्शन जनरली प्रॉपर्टी की रेट कम होती है बेटा और आफ्टर कंस्ट्रक्शन की रेट थोड़ी बढ़ जाती है बेटा। हाँ ना बेटा? वो सब अपना बिजनेस डिसीजन है बेटा आपको फ्लैट लेना है कि नहीं लेना बेटा मैंने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी लगता है नॉलेज भी भी yes no? के लिए बता रहा है बेटा मैं जब भी फ्लैट आप बुक कराते हो बेटा फ्लैट हो गया ऑफिस हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन बेटा अंडर कंस्ट्रक्शन जब आप फ्लैट बुक कराते हो बेटा तो है क्या होता है जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं क्या सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट फॉर सेल और जब सेल होता है जब बिल्डिंग बन जाती है जब रजिस्ट्री होती है जब आपके नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर होता है तब होता है क्या सेल्ड डीड क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है बेटा सेल डीड डीड का मतलब क्या होता है बेटा डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट डीड मतलब कर्म एक्ट एक्शन डीड मतलब कर्म एक्ट एक्शन हा ना भाई सर ध्यान दीजिए बच्चों सर सेल मतलब मैंने सेल का काम कर दिया सेल एग्रीमेंट मतलब मैं एग्री कर रहा हूं आलिया फ्लैट नंबर चार सौ बीस इस तरह को बेचूंगा बेचा नहीं yes

वहां आता है सर ये क्लियर सुनना बात और इससे पता है आपका बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा कि कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता बच्चों क्लियर भले कोई एग्जाम का क्वेश्चन हो जाए भले लाइफ में कोई क्वेश्चन हो जाए बेटा सरकार सेल डीड मतलब सेल हो गया जब अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग कराते हो तब सर कभी भी सेल डीड नहीं हो सकता क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो कैसे बेचूंगा मैं आपको बेटा मैं एग्री कर सकता हूं कि मैं बेचूंगा इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं क्या सेल एग्रिमेंट या एग्रिमेंट सेल. Clear? अच्छा पता है ए लास्ट जब रजिस्ट्री होती है जब पूरा कंस्ट्रक्शन आ जाता है फ्लैट का पोजीशन आपको मिलता है जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है उसके बाद सेल एग्जीक्यूट होता है, अच्छा, है मैं कौन हूँ बेटा बेटा मैं कौन कोनो बेटा इतने दिन हो गए मंगल भाई मंगल सर बिल्डर बेटा इस एग्जांपल में इधर इधर आपको लगता है ये बिल्डर का काम है बेटा बहुत भारी है बेटा बिल्डर्स पता है आपको बिफोर 2010 2010 से पहले जब आप छोटे थे बेटा मैं भी छोटा था बेटा उस टाइम नहीं जो प्रोसेस आपके बेटा वही मेरे भी बेटा है ना कोई अलग नहीं है अब सरकार मान लो 2010 से पहले ये बिल्डर लोग भी इतनी शानदार लोग भी है, सर इतनी स्ट्रांग लोग भी है इतने अमीर लोग इतने पैसा वाले लोग इतने शानदार लोग हैं बेटा ये 2010 से पहले एक रुपया भी सर्विस टैक्स पे नहीं करते थे बेटा मतलब सौ में से सितर फ्लैट बुक हो गए सप्लाई ऑफ सर्विस तो है ना यार कंस्ट्रक्शन सर्विस तो है ना यार बेटा क्लियर फिर भी रुपए भी सर्विस टैक्स पे नहीं करते थे हो गया, गया चले तो सर दी प्रोविजन दाँग भी दाँग भी दाँग तो नहीं पढ़ा दिया बेटा आपको बिल्डर लो भी क्या बोलती थे साहब किस बात का सर्विस टैक्स सेवेंटी प्लेट की बात करो मैं आपसे बेटा थर्टी पे नहीं चलो किस बात का सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने बोला कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आलिया इडिंग सर्विसेस टू करीना कपूर उस टाइम तो करीना कपूर चलती थी ना यार सर अरे हा ना भाई सर आलिया बच्ची थी हम भी बच्चे थे बेटा उस टाइम सर अब पॉइंट दो मिनट दो मिनट फिर तो फिर उस टाइम तो फिर भी इसको था। तो स्कोपोप भी नहीं है अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि बिल्डर्स बोलते थे क्या कि किस बात का सर्विस टैक्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू सर्विस गवर्नमेंट ने बोला क्या बात कर रहे हो आपने सितर फ्लैट बुक किए तो आप तो फ्लैट उनके लिए बना रहे हो ना यार बिल्डर ने बोला भाई साहब अभी तो बुक किए तो हमारे फ्लैट मैंने एग्री किया आलिया तो को फ्लैट बेचूंगा जब तक बेचा नहीं तब तक मेरा है? बात पहुंचे तो आशीर्वाद देना सर बात को समझना वापस है सर सर बिल्डर ने क्या बोला कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया था आलिया मैंने फ्लैट बुक किया है मैं तेरे को फ्लैट दूंगा अभी फ्लैट दिया नहीं है जब तक फ्लैट बेचा नहीं है तब तक फ्लैट किसका मंगल का फ्लैट बना कौन रहा है किसके लिए बना रहा बेटा ऑन रिकॉर्ड तो खुद के लिए बना रहा बेटा

तो एग्री किया लिया यार हा है ना इसीलिए सर टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ सर्विस टैक्स गवर्नमेंट बजट 2010 में बेटा फाइनेंस एक्ट 2010 के थ्रू इस सर्विस को अलग से इंट्रोड्यूस किया और बोला क्या दिमाग खराब मत करना मंगल क्या बोला मालिक दिमाग खराब मत करना मंगल इवन इफ बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन और अगर आपने एक रुपया भी ले लिया उस फ्लैट के लिए सर्विस और अलग से सर्विस इंट्रोड्यूस करके बोलाई ऑफ सर्विस है जिसको कंटिन्यू किया जीएसटी में पेरा नंबर फाइव क्लोज में बी अंडर शेड्यूल नंबर टू के थ्रू हा ना भाई क्लियर दिस वॉज द लीगल बैकग्राउंड बिहाइंड दिस पॉइंट बेटा क्लियर आई होप बात समझ में आई बेटा आपको यह अरे नो अच्छा लॉजिकली बात करें लीगली बात करें अगर हम लीगली बात करें तो ठीक है यार मैं आलिया फ्लैट नहीं बना रहा हूं जब तक सेल नहीं बना तब तो तक फ्लैट मेरा है बेटा मैं खुद ही खुद के लिए बना रहा हूँ बीस आलिया बुक किया है तो क्या मैं वो फ्लैट क्या फ्लैट तो, तो आलिया के लिए बन रहा ना यार हा है ना इसलिए वो गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स किया इसको एंड फिर जीएसटी में क्या लगेगा बेटा जीएसटी सत्तर फ्लैट पे क्या लग बच्चों? जी बच्चो जीएसटी यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही सबकी सर आ रहा कि नहीं आ रहा मजा सर? अच्छा। तो यार एक चीज और बताओ मुझे अब लास्ट। सर इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट है जिस दिन पता पड़ेगा कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और बाद जो हुआ उस उसके बाद जो फ्लेट बुक हुई उस पर जीएसटी नहीं लगेगा और से पहले वाला लगेगा बेटा। बेटा? Yes, बोलो सर। ना अरे क्लियर मालिक ग्रांट ऑफ वोट ऑफ वोट कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट ऑथरिटी मतलब मान लो कोई बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बना दी बेटा इट इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट पर सर जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया क्या मालिक जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया तब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई बेटा तब तक जो भी फ्लैट खरीदा गया क्या लगेगा अरे क्या लगेगा यस या नो इसलिए कंप्लीस सर्टिफिकेट रिसीव होना कितना इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया अंडर जीएसटी बेटा बिल्डर के एंगल से बात करें तो हा भाई फ्लैट खरीदने वाले के एंगल से बात करें तो भी बहुत इंपोर्टेंट हो गया बेटा उसके लिए मान लो एक करोड़ का फ्लैट है पांच परसेंट जीएसटी बेटा पांच लाख रुपए होते बेटा ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ना बेटा गवर्नमेंट की अथॉरिटी बेटा क्लियर सर उसके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी बेटा ये तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है बेटा हु कैन द कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट उसके लिए डिफाइन किया कि डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसपल लॉज अगर आपके लोकल या म्यूनिपल लॉ ने लिखा है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर वो बता देगा लोकल या म्यूनसिपल लॉ कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या है बेटा

अगर किसी लोकल या म्यूनिपलो में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लिया ना हम मान लेंगे कि सर्टिफिकेट आ गया है पर अगर आपके लोकल या म्युनिसपलो में उस गवर्नमेंट अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट है तो वही क्या है बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से किसी भी एक का वो तीन कौन बेटा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड इंजीनियर एक्ट एंड लाइसेंसड सर्वे ऑफ दर्टिकुलर एरिया इन तीन में से किसी भी एक सर्टिफिकेट लिया है, तो भी वो क्या होगा बेटा कंप्लीस सर्टिफिकेट होगा बाई द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी पर वो कब बेटा <coughs> जब वो गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं हो इस पर लोकल या म्यूनिपल लॉ तो बेटा हा ना भाई क्लियर तो आई रिपीट कंप्लीस सर्टिफिकेट बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा डिपेंड्स आपके लोकल या म्यूनिपल लॉ में अगर ये डिफाइन किया हुआ कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या है बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा पर अगर आपके लोकल लॉ में या म्यूनिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे केस में में इन तीन में से किसी भी एक सर्टिफिकेट लेना रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया तो वो क्या होगा बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा और उसका सर्टिफिकेट चलेगा बच्चा हाँ बेटा क्लियर एंड दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट जिसके बाद अगर कोई फ्लैट सेल हुआ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ओके, okay. तो सर मैक्सिमम केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी बेटा था हर तरफ हाँ था ना ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के हिसाब से बेटा अब सर आप बताओ बिल्डर्स आपको बताया बिल्डर लोग भी कोई कम नहीं बेटा बहुत भारी लोगे बेटा ये, अमीर लोगे बेटा ये, सब सेटिंग करते बेटा क्लियर यू से परमिशन किसी और चीज की मिलती है बनाते कुछ और ही बेटा ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी पता है कि बदमाश लोग है बेटा तो वो भी होशियार है बेटा तरबूज बटेगा तरबूज कटेगा सब में बटेगा तो वो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं तब देख लो मेरी बात बेटा वो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं देंगे तब तक दे आर नॉट सेटिस्फाइड बेटा है ना भाई क्लियर तो इस चक्कर में बिल्डर को बहुत चक्कर लगवाते बेटा वो लोग हा भाई इसलिए जीएसटी जब आया वहाँ पे एक पॉइंट या फिर लिख डाला बेटा बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाई अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट इज विचवियर मैं समझाता हूँ बेटा क्या लिखा है बेटा ये एक बार समझाता हूं बच्चों सरकार ये लिखा है कि अगर मान लो कोई कंपनी अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आपको नहीं आया पर अगर उस बिल्डिंग में किसी ने फर्स्ट ऑक्यूपेशन कर लिया मतलब कोई एक पर्सन रहने के लिए आ गया उस बिल्डिंग के अंदर उस दिन मान लेंगे कि बिल्डिंग क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है उसके बाद अगर फ्लैट सेल हुआ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अब देश कौन सा बेटा इंडिया भारत यहां बेटे बेटे नौजवानों के दिन में ही एक क्वेश्चन आ गया बेटा आया ना बेटा आया आइडिया आया बेटा तो सोचो आपके दिमाग में ये तो सोच लिया क्या है कि हम तो क्या करेंगे सर? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन तो है, है कभी भी गिर जाए कोई तकलीफ लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सब करा देंगे बेटा उसका हाँ है ना क्लियर और बाहर बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा देंगे क्या दिस बिल्डिंग इज जीएसटी फ्री क्योंकि फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया भाई तो सर कोई भी कानून अगर बनता है तो लॉ हैज टू बी इंटरप्रिटेड फॉर दर्पज इट इज मेड बेटा आप डिक्शनरी लेके लो को नहीं पढ़ सकते सर लो टू बी रेड फॉर दर्पज इट इज मेड है ना सर आप लोग को जिस भावनाओं से लो बना हुआ है उन भावनाओं के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना पड़ता है बेटा केवल उसके वर्ड से नहीं बच्चों तो सर यहां इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट का यह है कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब ये होगा कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ तो है पर बिल्डिंग शुड बी कंप्लीट इन इट्स ऑल एस्पेक्ट्स उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ तो भले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया कोई बात नहीं उसके बाद जो फ्लैट होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बोले यस सर क्लियर अच्छा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया इन इट्स ऑल एस्पेक्ट मानेंगे बेटा तो कॉमन सेंस से बता रहा हूं आपको जनरल जनरल आइडिया से कि सरकार कोई भी बिल्डिंग कंप्लीट का पता पड़ेगा सर जब पहली बार तो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है पूरा फिनिशिंग हो चुका है उसका लाइट का कनेक्शन आ गया है नल का कनेक्शन पानी का कनेक्शन हो गया और सीवरेज चालू हो गया बेटा है हाँ ना तब जाके मानते क्या बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल एस्पेक्ट और उसके बाद अगर कोई फर्स्ट ऑक्युपेशन हुआ है तो वो ट्रिगर पॉइंट आ गया जिसके बाद कोई भी फ्लैट बिका तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा शायद मेरी बात तक पहुंच गई बच्चों हाँ ना भाई क्लियर yes, पर बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या बोला सर और फर्स्ट ऑक्युपेशन एवर इज अर्लियर उससे पहले अगर एक रुपया भी मेरी लाइन पे ध्यान देन देना बेटा एक एक वर्ड पे देन देना

क्लियर तो ऐसे केस में सेल ऑफ प्रोड्यू का उस कोई जीएसटी नहीं लगेगा यस से नो आवाज नहीं आ रही सर तो मैं ऐसे बोल दू क्या सर मंगल टावर मंगल टावर हंड्रेड फ्लैट बेटा क्लियर सर सुनना दीज आर इंटरनेट फॉर सेल टू बायर आवाज नहीं आ रही हो सर पूरा ध्यान बेटा सो के सो फ्लैट क्या बोला मालिक सो एक्सेप्ट थर्टी फ्लैट एक्सेप्ट चलेगा बोल दू क्या बेटा एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट वो फ्लैट एक मिनट आपका ध्यान इधर उधर नहीं बेटा मतलब एक्सेप्ट वो फ्लैट्स जिसका एक रुपया भी पहले नहीं आया बेटा कैसे बोल दू

हाँ या ना हाँ। तो सुनना बात ध्यान से सर हार इनका प्रॉपर्टी था लैंड था बेटा कहां पर शिवाजी नगर पुणे बेटा इनके लिए मैंने बिल्डिंग बनाई कॉम्प्लेक्स बनाया सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया वो तो सप्लाई सर्विस है ही है बेटा भले ही वहां ये मेरे को पैसा दे ना दे बेड डेप कर दे कुछ भी कर, कर क्या बेटा उसमें

वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा विच इज इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर हा है ना वो पूरा बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस होगा एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ बोलो आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एड्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज पूरा बोल दू क्या, क्या, क्या बेटा आपके लिए बिल्डिंग बनाई बेटा

आवाज आ जारी हो तो सर शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सुमनोहर टावर के लिए बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट दे रो कोमा इसका पॉइंट खत्म बेटा क्लियर अब मंगल टावर चलो इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर बधर होली और पार्टली एक्सेप्ट एक्सेप्ट पूरा टावर इज द सप्लाई सर्विस एक्सेप्ट थर्टी फ्लाइट एक्सेप्ट एर दी एक्सेप्ट एक्सेप्टी एंटायर कंसिडरेशन कंसिडरेशन दी एक रुपए ग्रांट ऑफ कंप्लीस सर्टिफिकेट बाय दी कॉम्प अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्यर भारत माता की समझा कि नहीं समझा सर आया मजा इसको कहते हैं माहौल <coughs> समझे मेरी बात डन के होता है अब एक बात और बता दूंगे लास्ट एक सेकंड लगेगा सर पक्का ए भाई सर ओ भाई चलो कोई लाइन लिखी है थोड़ा इंग्लिश समझाना मेरे को बेटा ना इंग्लिश कमाती मेरे कोई सेंटेंस लिखा ना यार ब्लाब एंड ब्लाब्लाज दिस ओके okay? हाँ जी ओ भाई अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर की बेटा विच सेंटेंस इज करेक्ट एंड से पहले कोमा आता कि नहीं आता एंड से पहले कोमा आता कि नहीं आता सर सेम वे सेम वे सर नॉर्मली जब हम सेंटेंस की बात करें सर इंग्लिश की बात करें तब इंक्लूडिंग से पहले कॉमा आता है कि नहीं आता नहीं आता है सर योर सिलेबस इंक्लूड्स क्या कॉमा आता है क्या कभी देखा आपने कॉमा नहीं क्लियर समझे मेरी बात सर कभी भी इंक्लूडिंग से पहले कॉमा नहीं आता क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू होता है बेटा ब्रेक नहीं होता बीच में क्लियर आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में सर बहुत सारी चीजें आती है इंक्लूडिंग जीएसटी इनकम टैक्स ऑडिट कहीं कोमा आया भी इसमें बेटा इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता सेंटेंस कंटिन्यू होता है जैसे एंड से पहले कोमा नहीं आता बट वाइल रीडिंग द लॉ वाइल रीडिंग द लॉ वी फाउंड दैट एट सम प्लेस एंड से पहले कोमा नहीं था और सेम एक्ट के अंदर एंड से पहले कोमा था व्हाइल रीडिंग द बैक्ट वी फाउंड दैट इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं है पर सेम एक्ट के अंदर कुछ जगह पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा है टाइपिंग मिस्टेक एवरी लॉ इन इन एवरी लॉ एवरी सेंटेंस एवरी फ्रेज एवरी मार्क एवरी कोमा हैज़ गोट इट्स ओन सेंस इट्स नॉट नॉनसेंस रूल्स ऑफ़ एडजम्जेंट्रीज़ बेटा Rules of आपने शायद सुने होंगे है ना? हाँ ना? Every low, जब बनता है, उसका एवरी सेंटेंस एवरी फ्रेज एवरी वर्ड एवरी मार्क गोट पे जो सेम वर्ड्स यूज हुए और सेम वर्ड से पहले कुछ मार्किंग अलग चेंज हुई है तो सर यू कैन कंपेयर वर्ड्स विच आर यूज एट टू डिफरेंट प्लेसेज एंड कंपेयरिंग अगर आपको लगता कुछ difference है कुछ डिफरेंस है हाँ ना भाई इसका मतलब क्या है मतलब कुछ तो मीनिंग होगा मीनिंग यह है कि नो डाउट सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है खत्म नहीं हुआ पर बीच में एक ब्रेक आ गया ब्रेक आने का मतलब यह है कि अगर यहां पे कोई कंडीशन है तो कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी और अगर कोमा नहीं होता इधर

क्या वो कंडीशन पार्ट नंबर वन पे अप्लाई होगी क्या बेटा क्यों नहीं होगी बेटा ये कोमा की वजह से भारत माता की जय इसलिए मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही पार्ट वन और पार्ट टू लिखवाया हाँ है ना सर क्लियर अच्छा ये तो मैंने जस्ट नॉलेज लिया आपको बताया बेटा समझ में आया तो भी ठीक है नहीं तो भी कोई बात आई थिंक पर समझ में जरूर आया होगा बेटा आपको आवाज रही सर पक्का 100 मजा आया कि नहीं आया सर माहौल के साथ मजा आया कि नहीं आया सर क्लियर डन अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बुक से कहां तक मैंने पढ़ाया है मैंने क्या पढ़ा okay? है तो यह यहां तक पेरा नंबर फाइव क्लोज बी तक मैंने आपको पढ़ाया बेटा आलिया अडवाणी का फ्लैट भी बुकिंग होगी बेटा ना भाई क्लियर ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है अगर एक रुपया तो वो पूरा सप्लाई सर्विस होगा बच्चा ना भाई

मजा आया सर पक्का भारत माता की थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बेटा प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ स्लाइड इसको कॉपी जरूर करना आप लोग अतुल भाई अतुल भाई अथर भाई, भाई थोड़ा ऐसी तेज करना रहे पे क्योंकि गर्मी लग रहा है ये समझ में आया बेटा आपको ये पक्का वीडियो क्लास में जो माहौल है, है सर क्शन नंबर सेवन लिखा वो आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो बेटा okay, सरकार, मिलते हैं कल थैंक यू सो मच है गुड डे अच्छे से पढ़िए मस्त होकर हो बेटा बाय बाय दो यस यस बेटा ये वाला ये वाला अगर कॉपी करना बाकी है तो कर लीजिए बेटा सर क्लियर चलि सर यू बाय बाय बाय